नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तीसरे दिन फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी गेस्ट का स्वागत बुक देकर किया गया। वहीं भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से प्रोफेसर आशुतोष आर उपाध्याय, यानकेस मेक राइट्स डेप्यूटी हेड ऑफ द मिशन साइप्रस हाई कमीशन मौजूद रहे। वहीं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉ. संदीप मारवा ने कहा कि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसके साथ ही डॉ. संदीप मारवा ने बताया कि इंडिया और साइप्रस के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए फिल्म फोरम भी रिलीज किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में फिल्म फ्रॉम साइप्रस सीनियर सिटीजन की स्क्रीनिंग भी की गई। यानकेस मकराइट्स डिप्टी हेड ऑफ द मिशन साइप्रस हाई कमीशन को डॉ. संदीप मारवा की ओर से अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यानकेस को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। Thank you very much on behalf of Cyprus, the cultural services of Cyprus, the Cyprus High Commission here in India for this opportunity giving us to participate to this festival. Thank you all of you for this welcome. I will not say a lot. Director, the film director is Cypriot. The film is a Cypriot film. It's about elderly people maybe interested to human rights. And it's an opportunity we have the excellency here to see the film. I hope you may enjoy it. Thank you very much again to give us this opportunity to screen a film from Cyprus to you. Thank you. इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फिल्म फ्रॉम आर्मेनिया तेवनिक की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसमें तिग्रान ग्रिगोरियान काउंसलर अम्बेसडर आर्मेनिया टू इंडिया ब्लामिदिर पोग्योसियान सेकंड सेक्रेटरी ऑफ आर्मेनिया एम्बेसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर वरुण गुप्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सभी गेस्ट को मोमेंटो दिया गया। इस कार्यक्रम में आर्मेनिया और इंडिया की फ्रेंडशिप को मजबूत करने पर भी बात की गई। इसके साथ ही तिग्रान ग्रिगोरियान को संदीप मारवा द्वारा अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में अतिथियों को फोटो एग्जीबिशन भी दिखाई गई, जिसमें सभी अतिथियों ने खूब सराहना की। Our capabilities, capacities and our contacts around the world. I'm very happy that 67 countries are participating in this festival, in these 3 days extravaganza, and we've been showcasing 18 films in total out of the large films which we have received. It has taken us almost 1 month to go through all the cinema, and finally we decided that 18 best films are going to be shown in this festival, because screening all the films is next to impossible. Let's be very frank. But then we have all these films as a stock of Marva Studios, and all these films once again will be shown as and when needed, and as and when we'll get more time to showcase these films. वहीं इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फिल्म फ्रॉम इंडिया गिलुआ फिल्म लॉन्च की गई, जिसमें डायरेक्टर राजीव सिन्हा, ऋतु चोपड़ा और यानकेस मैकराइट्स भी शामिल रहे। इमोशनल दिस टाइम, अंदर से रो रहा हूं, और एक ही बात कहूंगा कि रोता हूं, थोड़ा ज्यादा रोता हूं। शायद इसको भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, लेकिन 20 साल लगे इस कहानी को लिखने में, और आज मैं उस मंच पर हूँ। सर को छूने के लिए, सर को देखने के लिए, मैं झारखंड में रहता हूँ, और मैं आपको विश्वास बता सकता हूँ कि मैं वहाँ रह के हर दिन सर को फॉलो करता हूँ, फिल्म बना रहा था। सर,
फिन ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, एक तृप्ति हो रही है, सुख शांति का आभास हो रहा है, शांति मिल रही है। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि अब तक के पिछले दो दिन के कार्यक्रमों को देखकर लोग चकाचौंध हैं। बड़े बड़े फिल्म मेकर जो देश और विदेश से यहाँ पहुँचे हैं, अम्बेसियों के डिप्लोमेट्स और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर, बहुत जगह से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिन लोगों ने हमारे सारे कार्य की बेहतरीन खूबसूरत तरीके से तारीफ की है। और आज का तीसरा दिन भी उसी जोश और उल्लास के साथ यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, नशा आया हुआ है लोगों को सिनेमा का। और यही हम चाहते थे कि एक सफल फेस्टिवल का मतलब है कि बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, एजुकेशन मिली, इंफॉर्मेशन मिली और एंटरटेनमेंट मिला। ये तीन चीज़ें जो भारत सरकार ने पहले दिन लिख दी थी जब मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गठन हुआ था इस मुल्क के अंदर, कि हमारे तीन मकसद हैं तमाम मीडिया के, चाहे आप प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है या न्यू मीडिया है, कि आपको पहले एजुकेट करना है, आपको एंटरटेन करना है, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है। और मैं समझता हूँ कि तीन दिन के अंदर तीनों मकसद हमारे पूरे होते हुए नजर आए हैं। मेरे पास लोगों के तारीफ इतनी तारीफ मुझे मिली है कि मेरी झोली भर गई है। और अभी मैंने जो लास्ट फिल्म अभी गुलिया अभी जिसकी ओपनिंग की है, और उसमें वो फिल्म हमारे स्टूडेंट की है जो अभी ईफी में चली थी, ईफी की जो चंद हिंदी फिल्में चुनी गई थी उनमें ये फिल्म है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कम पैसों में भी कितनी खूबसूरत फिल्म बन सकती है। ये राजीव सिन्हा एक उदाहरण लेके आ जाए हैं, AFT के स्टूडेंट, उनकी फिल्म को की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। और कुल मिलाकर 18 फिल्मों को हम लोगों ने यहाँ से सम्मानित किया है। Well, I would like to thank Marwan Studios giving us this opportunity to screen a film from Cyprus to this event, to the 15th film festival. Always Cyprus and India, we are very close friends, very supporting each other, especially India supporting Cyprus in all the ways. Many thanks personally to Mr. Marwan to invite us, and many thanks to Indian people here for this very warm welcome to us. Marwan Studios, it is a big opportunity to show Armenian film here. It is second time. As I said in our meeting, we have in Armenia a lot of Indian films which Armenians loved. Now it is very good that Armenian films is broadcasting showing in India. If you have any to say about Global Film Festival, it is a very 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 good festival, or organizers worked very good, because this is not first time that these films are showing here in festival. It is multinational film festival, and of course good opportunity for all countries to be here to represent their films, movies. तो ये सुनने को जो मिला है एकदम पुख्ता है, एकदम मान लीजिए कि एकदम सच बात है। और 2002 में मैं 43rd बैच डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा करने आया था। मैं करने तो आया था डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स, लेकिन एक हमारे काउंसिलर थे सर सुरेश जंगीदा सर, जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं है अभी, तो उनके सुझाव पे मैंने वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा किया मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ से हो, मैंने बोला बिहार से, बोले बेटा पहले नौकरी ले लो बाद में डायरेक्टर बनना। तो उस समय लगा कि यार ये गलत सलाह दे रहे, लेकिन आज समझ में आया कि नहीं यार, ये तो जो आज जो मेरे साथ हुआ है वो 20 साल पहले उसकी कहानी लिखी गई थी। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज मैं ऐसे मुकाम पर हूँ कि मुझे अकेडमी ने बुलाया, और मेरी फिल्म है गिलुआ, ये हिंदी फीचर फिल्म है, और अभी इफ़ी गोवा में भी हम पार्टिसिपेट करके आए हैं, और
और सेंसर का सर्टिफिकेट मिला, यू सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, और इस फिल्म को आज हमने स्क्रीनिंग किया यहाँ पे अपने, मतलब आप सोच, मैं तो रो रहा था जब सर ये बात बता रहे थे, तो मैं बहुत रो रहा था बहुत, कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती किसी स्टूडेंट के लिए। हम लोग किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के ना हम लोग निकलते हैं और भूल जाते हैं, मेंटर को भूल जाते हैं, इंस्टीट्यूट को भूल जाते हैं, हमको लगता है हम तो खुद बने हैं अपने। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज सर मिलेंगे तो मैं जितना बार बोलोगे उतना बार मैं पैर छू चुके और साष्टांग प्रणाम करूँगा उनको, क्योंकि आज जो भी कमा खा रहा हूँ बस उन्हीं की वजह से।